भाई साहब फर्स्ट टाइम इन बिहार इसको कहा जा रहा है, कितने देर बाद मिला? दो मिनट के बाद देखते हैं आइसक्रीम कब तक मिल जाती है हमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग हैं सोनपुर मेला में, और सोनपुर मेला में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। उसमें से एक चीज़ है टर्किश आइसक्रीम। आपने शादी वादी में बहुत सारे वीडियोज़ में देखे होंगे कि टर्किश आइसक्रीम, एक आदमी आपको आइसक्रीम पकड़ाता है बट वो मिलता नहीं है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। आइए आप अंदर आइए, और यहाँ पर टर्किश आइसक्रीम खाने के लिए भीड़ लगी हुई है यार। तो फर्स्ट टाइम इन बिहार इसको कहा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी देखते हैं इनका जो पेश करने का अंदाज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो आप, आइसक्रीम फाइनली मिल गई आपको। हाँ। कितने देर बाद मिला है? दो मिनट के बाद आइसक्रीम मिला है। तो अभी हम लोग देखते हैं। सर एक मेरे लिए भी लगा ना, आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से हूँ सर। आप नेपाल से हैं, तो ये वाला टेक्निक कहाँ से सीखा? ये टर्की से सीखा सर। टर्की गए थे आप? क्या बात है यार। तो भैया टर्की गए थे और जाकर के वहाँ पर सीखा इन्होंने ये वाला कैसे बनाते हैं, कैसे पेश करते हैं। दिखाइए ज़रा, देखते हैं मुझे कितना शिका रहे हैं आप। मैंने पकड़ लिया तो क्या करिएगा? किधर गया? चेक कर ओके सर। नहीं नहीं वो नीचे गिरा। ओके नो प्रॉब्लम। अभी आइसक्रीम नहीं आया, उधर गया। सॉरी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ऐसी चीज़ें होती है ना जो कि आपको कभी कभी देखने को मिलती है, लेकिन अब बिहार में भी आप इसका एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं टर्किश आइसक्रीम का। मेरे हाथ से उस समय क्या हुआ था ना कि ये जो कोन होता है वो छूट गया था, आइसक्रीम नहीं आ पाई थी मेरे पास। तो अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। भाई नहीं पकड़ पा रहे यार, सीरियसली। थैंक यू सर। ओके, फिर से कौन आ गया? आइसक्रीम वही रह गया हमारा। नो आइसक्रीम। इसका क्या करूं, रख दूं? आ जाइए, आ जाऊंगा, आपको मिल गया तो। भाई साहब अहनम व्हिच वन लेफ्ट राइट बाय बाय। तो अभी खाली कोने मेरे पास आइसक्रीम नहीं है हमारे पास, देखते हैं आइसक्रीम कब तक मिल जाती है हमें। ओके फाइनली सर। ओके फाइनली। ओह माय गॉड, नो आइसक्रीम। थैंक यू, गो बाय बाय, एंजॉय सर। ओह माय, वी 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 वी, अभी फाइनली दे रहे हो ना? अहनम थैंक यू सो मच। तो टर्किश आइसक्रीम अगर आपको खाना है तो आप यहाँ पर अभी सोनपुर मेले में आ सकते हो और आ करके इसका आप मज़ा ले सकते हो। क्या है ना कि उस साइड में आइसक्रीम बनाई जा रही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये कौन सा चॉकलेट है? और अमेरिकन नट्स है। अच्छा। हाँ, ये बिहार का पहला शॉप है, अभी सोनपुर में पहला बार आया है मेला में। और अभी हम लोग जैसे कि टर्किश आइसक्रीम में हमारे पास 15 फ्लेवर्स है जो कि हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। और इसमें अमेरिकन नट्स, चॉकलेट, कुकी क्रंची बहुत ही फेमस है हमारा। अच्छा अच्छा। और हमारे शेफ जो है टर्किश से आए हुए हैं। हाँ, और उनके द्वारा ये रेसिपी तैयार की जाती है। तो बिल्कुल, मतलब खुद टर्किश से गए और सीख करके वापस आए और यहाँ पे रेसिपी तैयार होती है, इसलिए ये फ्लेवर जो है आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये आप कहीं से बाय नहीं करते हो, आप लोग खुद से तैयार करते हैं। इसलिए रेसिपी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके ओके। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अभी हमारा काफी लोग का रिस्पांस मिल रहा है, काफी भीड़ है हमारे, देख सकते हैं काउंटर पे। अभी आपको पता है कि सोनपुर दो चीज से बहुत फेमस है, एक तो आपको पशु मेला के नाम से और थिएटर के नाम से, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे एशिया में अब टर्किश आइसक्रीम के नाम से भी हमारा बिहार में ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, मैजिक ट्विस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, टर्किश आइसक्रीम एक ऐसा चीज है ना जो कि आपको ध्यान खींचता है। मैं लोगों को आपको नंबर दे दूंगा, अभी वेडिंग का सीजन है तो लोग काफी लोग हमें कॉल करके बुक कर रहे हैं शादी में, अगर कोई चाहता है बर्थडे एनिवर्सरी में चाहता है टर्किश आइसक्रीम को बुलाएं तो बिहार में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। चलिए थैंक यू। हम लोग टर्किश आइसक्रीम खा रहे हैं। तो सोनपुर मेला यार एकदम अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है, नई नई चीजें सुनने को मिलती है और काफी अच्छा लगता है यार। सब्सक्राइबर है बहुत अच्छा लगा आपसे साहब भैया मिलकर। अरे थैंक यू, बहुत हमको खुश हुआ आपसे मिलकर आज, और मेरा लक है कि आपसे आज हम मिले। अरे मेरा भाई, मेरा लक है, माय प्लेजर, माय प्लेजर के भाई। हेलो भैया, तो कैसा लग रहा है?
थैंक यू हेलो हेलो भाई, नाइस टू मीटिंग यू भाई, काफी अच्छा लग रहा भाई सभी से मिल करके, सीरियस लिटरली थैंक यू भाई। ब्लॉग देखते रहेंगे अच्छा, और चाहेंगे कि आपका निरंतर काम अच्छा रहे। शुक्रिया भाई, और यही शुभकामनाएं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो सोनपुर मेला में बहुत सारे मटर गश्तिन मिल रहे हमें, और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है लिटरली। तो हम लोगों ने अभी टर्किश आइसक्रीम खा लिया, और अभी इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आपका भाई साहब मिला नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।